समय के साथ वक्त के साथ किस तरह से लोग बदल जाते हैं उस पे ये शायरी है, दर्द पे है, सुनिएगा। कि वो प्यार मोहब्बत के अकीदतमंद कि वो प्यार मोहब्बत के अकीदतमंद, अकीदतमंद मतलब बिलीवर्स, वो प्यार मोहब्बत के अकीदतमंद बड़ी जल्दी नफरत करना सीख गए हैं। वो प्यार मोहब्बत के अकीदतमंद बड़ी जल्दी नफरत करना सीख गए। हम तो उनके थे उन्हीं के रहे, हम तो उनके थे उन्हीं के रहे, और वो न जाने कब गैरों के होना सीख गए। तो हम नावाकिफ थे इस बात से, अब जो पहले का अरसा है और आज की क्या बात है उस पे है, कि हम नावाकिफ थे इस बात से कि वो अजनबी इस कदर हो जाएंगे, हम नावाकिफ थे इस बात से कि वो अजनबी इस कदर हो जाएंगे। नजर आते थे जो फोन के हर गलियारे में, अब एक फोल्डर में सिमट के रह जाएंगे। मुझे एक्चुअली मुझे डिजिटल शायर जो कहा जाता है वो इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि मैं जो है पहले जो आजकल के सोशल मीडिया के जो रिलेवेंट इश्यूज हैं उन पे बात करता हूँ और फिर शायरी की गहराइयों में पहुँचता हूँ। कि हम नावाकिफ थे इस बात से, हम नावाकिफ थे इस बात से कि वो अजनबी इस कदर हो जाएंगे। नजर आते थे जो फोन के हर गलियारे में, एक फोल्डर में सिमट कर रह जाएंगे। हम नावाकिफ थे इस बात से कि वो इस रिश्ते को इतनी बेरहमी से तोड़ जाएंगे, हम नावाकिफ थे इस बात से कि वो इस रिश्ते को इतनी बेरहमी से तोड़ जाएंगे कि हमें सबसे पहले जवाब देने वाले हमारा मैसेज सीन करके छोड़ जाएंगे। कि हमें सबसे पहले जवाब देने वाले हमारा मैसेज सीन करके छोड़ जाएंगे। अब इससे ज्यादा बेरहमी से क्या छोड़ेंगे वो, है ना। हम सहरो शाम मुंतजिर रहे उनके मैसेजेस के, मुंतजिर कहते हैं इंतजार करने वाले को। अब आपने बहुत सारे मैसेजेस भेज दिए, अब आप उसकी रिप्लाई का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है उस पे। कि हम सहरो शाम मुंतजिर रहे उनके जवाबों के, हम सहरो शाम मुंतजिर रहे उनके जवाबों के, हम सहरो शाम मुंतजिर रहे उनके जवाबों के, और वो किसी और ही महफिल चैट में रिप्लाई करना सीख गए। हम उनके थे उन्हीं के थे, और वो किसी दूसरी महफिल चैट में रिप्लाई करना सीख गए। हम उनके थे उन्हीं के रहे, और वो न जाने कब गैरों के होना सीख गए। कि हम मुंतजिर रहे उनके जवाबों के, हम मुंतजिर रहे उनके जवाबों के, और वो किसी दूसरी महफिल चैट में रिप्लाई करना सीख गए। और जब बड़े दिनों बाद हमसे पूछा हाले दिल उन्होंने, अब ये वो सिचुएशन है जब बहुत दिनों बाद अब उनका मैसेज आया है, पूछ रहे हैं हाउ आर यू, ठीक है। तो थोड़ा एटीट्यूड उस टाइम अपन में भी आ जाता है। और जब बड़े दिनों बाद हमसे पूछा हाले दिल उन्होंने, सुनिएगा बिल्कुल साथ साथ चलेगा। और जब बड़े दिनों बाद हमसे पूछा हाले दिल उन्होंने, तो भैया हम भी खुददार थे, मुस्कुरा के झूठ बोलना सीख गए। हम उनके थे उन्हीं के रहे, और वो जाने कब गैरों के बोलना सीख गए। तो हम भी खुददार थे, हमने कह दिया आई एम फाइन, है ना। तो हम भी खुददार थे भैया, हम भी झूठ बोलना सीख गए। हम उनके थे उन्हीं के रहे, और वो न जाने कब गैरों के होना सीख गए। हम नावाकिफ थे इस बात से कि लोग बदल भी जाया करते हैं, हम नावाकिफ थे इस बात से कि लोग बदल भी जाया करते हैं। वो आंखों में आंखें डाल किए वादों से मुकर भी जाया करते हैं, वो आंखों में आंखें डाल किए वादों से मुकर भी जाया करते हैं। अरे सदाएं आती थी जिनको हमारे सीने से, सदाएं कहते हैं आवाजें, ठीक है। जब आपको वो हग करती है तो उसका जब चेहरा यहाँ रहता है तो उसको कई तरह की आवाजें आती है। आप कुछ निगलते हो तो उसको आवाज़ आती है, आपकी हार्ट बीट की आवाज़ आती है, आपकी सांसों की आवाज़ आती है, क्योंकि उसका चेहरा यहाँ रहता है ना। तो सदाएं आती थी जिनको हमारे सीने से, देखेगा कि सदाएं आती थी जिनको हमारे सीने से, सदाएं आती थी जिनको हमारे सीने से, वो अब किसी और से लिपटना सीख गए। हम उनके थे उन्हीं के रहे, और वो न जाने कब गैरों के होना सीख गए। कि सदाएं आती थी जिनको हमारे सीने से, वो अब किसी और से लिपटना सीख गए। और दिल में आशियां बनाया था जिन्होंने, आशियां कहते हैं घर को, और दिल में आशियां बनाया था जिन्होंने, अब गुजरते हैं सामने से तो वो नजरें चुरा के चलना सीख गए। हम उनके थे उन्हीं के रहे, और वो न जाने कब गैरों के होना सीख गए। हम नावाकिफ थे इस बात से कि वो चेहरे को साफ और दिल को मैला रखते हैं, मेकअप बड़ा अच्छा करती थी कि कटा है यहाँ पे भी। हम नावाकिफ थे इस बात से कि वो चेहरे को साफ और दिल को मैला रखते हैं, हम नावाकिफ थे इस बात से कि वो चेहरे को साफ और दिल को मैला रखते हैं। कुछ लोग हंसी ऐसे भी होते हैं जो खिलौनों से नहीं जज्बातों से खेला करते हैं,
कुछ खूबसूरत लोग ऐसे भी होते हैं। हम नावाकिफ थे इस बात से कि वो चेहरे को साफ और दिल को मैला रखते हैं। कुछ लोग हंसी ऐसे भी होते हैं जो खिलौनों से नहीं जज्बातों से खेला करते हैं। अरे हम आशिक नादान थे ताजिंदगी भीतर बाहर एक से रहे। हम आशिक नादान थे कि ताजिंदगी भीतर बाहर एक से रहे। हमें फेक होना नहीं आया, हमें बनावटी होना नहीं आया। हम आशिक नादान थे कि ताजिंदगी भीतर बाहर एक से रहे। और वो कमबख्त बेवफाई करते करते रोजाना जिल्द बदलना सीख गए। हम उनके थे उन्हीं के रहे और वो न जाने कब पैरों के होना सीख गए। और वो कमबख्त बेवफाई करते करते रोजाना जिल्द बदलना सीख गए। हमने उनके साथ अर्श के सपने देखे थे। हमने उनके साथ अर्श कहते हैं आकाश को। हमने उनके साथ अर्श के सपने देखे थे और जब हुए हकीकत से रूबरू तो ख्वाहिशें कुचलना सीख गए। हम उनके थे उन्हीं के थे। जब रियलिटी पता चली तो हम नावाकिफ थे इस बात से कि कभी वक्त हमारे इतना खिलाफ हो जाएगा। अब कितना खिलाफ हो जाता वो अगले मिसरे में। कि हम नावाकिफ थे इस बात से कि कभी वक्त हमारे इतना खिलाफ हो जाएगा। कि हम नावाकिफ थे इस बात से कि कभी वक्त हमारे इस कदर खिलाफ हो जाएगा कि उनकी मेहंदी में चुपके से बनाया वो जे अक्षर इस कदर साफ हो जाएगा। आजकल रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि वो डिज़ाइन ऐसी देती है कि घर वालों को समझ में नहीं आता है, अपन को और उनको समझ में आ जाता है। तो उस पर है कि हम नावाकिफ थे इस बात से कि कभी वक्त हमारे इतना खिलाफ हो जाएगा। हम नावाकिफ थे इस बात से कि कभी वक्त हमारे इतना खिलाफ हो जाएगा कि उनकी मेहंदी में चुपके से बनाया वो जे अक्षर इस कदर साफ हो जाएगा। हम उनके नाम का हर्फ हथेली पे नहीं दिल पे लिखना चाहते थे। हम आशिक जांबाज किस्म के थे। हम उनके नाम का हर्फ हथेली पे नहीं दिल पे लिखना चाहते थे। हम उनके नाम का हर्फ हथेली पे नहीं दिल पे लिखना चाहते थे। इसलिए दर्द होता रहा हर्फ बनता रहा और हम दिल कुरेदना सीख गए। हम उनके थे उन्हीं के रहे और न जाने कब गैरों के होना सीख गए। हम उनके थे हर्फ बनता रहा दर्द होता रहा और हम दिल कुरेदना सीख गए। हम उन पे मरकर जीना चाहते थे। कहते ना किसी से टूट के प्यार करते हैं किसी पे मरते हैं तो एक तरह का जीना होता है। कि हम उन पे मर के जीना चाहते थे। कि हम उन पे मर कर जीना चाहते थे। हुए अलहदा उनसे जब से अलहदा कहते हैं दूर हो जाने को अलग हो जाने को। कि हुए अलहदा उनसे जब से जीते जी मरना सीख गए। हम उनके थे उन्हीं के थे और वो न जाने कब गैरों के होना सीख गए। हम नावाकिफ थे इस बात से कि वो हमारे बिना भी रह सकते थे। अब ये आखिरी है और इसमें ज़रा सा थोड़ा सा फिलोसॉफी टाइप है थोड़ा गहरी बात है। कि हम नावाकिफ थे इस बात से कि वो हमारे बिना भी रह सकते थे। हम नावाकिफ थे इस बात से कि वो हमारे बिना भी रह सकते थे। जो फसाने उन्होंने हमसे कहे थे उतनी ही शिद्दत से किसी और से भी कह सकते थे। हम नावाकिफ थे इस बात से कि वो हमारे बिना भी रह सकते थे। हमें पता नहीं था कि यार वो हमारे बिना जी लेंगे। हम नावाकिफ थे इस बात से कि वो हमारे बिना भी रह सकते थे। जो फसाने उन्होंने हमसे कहे थे वो किसी और से भी कह सकते थे। अरे हमने तो सोना समझ यूँ पकड़े रखा था उनको। अब इसमें आप सबको साथ चलना। सोना डिनोट्स टू समथिंग वैल्यूएबल यहाँ पर है ना। कि हमने तो सोना समझ यूँ पकड़े रखा था उनको। ये एक्चुअली होता है ऐसा कि जब किसी इंसान को लेकर आप बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाते हैं तो उसको एक पोजेशन की तरह आप होल्ड करते हैं। उसके कई सारे नेगेटिव कंसिक्वेंसेज भी होते हैं। कहते हैं ना जिसको जितना ज़्यादा आप पकड़ के रखते हो जितना ज़्यादा उसमें रखते हो तो वो आपको उतना ही धोखा दे देता है ना। तो इसके नेगेटिव कंसिक्वेंसेज होते हैं कि हमने तो सोना समझ यूँ पकड़े रखा था उनको। हमने तो सोना समझ यूँ पकड़े रखा था उनको और वो कमबख्त धूल से निकले कि बड़े इत्मीनान से फिसलना सीख गए। फिसलने का मतलब समझ गए होंगे कि हमने तो सोना समझ यूँ पकड़े रखा था उनको और वो कमबख्त धूल से निकले कि फिसलना सीख गए। हम कुछ देर जो दूर हुए क्या उनसे। ये आखिरी शेर है इसका। मैं आखिरी जो गज़ल होती है उसमें आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं लेकिन मैं शो स्टॉपर शेर कहता हूँ। तो ये शो स्टॉपर शेर है इसका। कि हम कुछ देर जो दूर हुए क्या उनसे। हम कुछ देर जो दूर हुए क्या उनसे वो हमारे बिना ही रहना सीख गए। हम उनके थे उन्हीं के थे और जाने कब। बहुत 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 शुक्रिया। कि इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना। इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना।
दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना।